गौ संवर्धन की कल्पना को लेकर मध्य प्रदेश शासन ने जो कुछ भी किया है वो अपने आप में अद्भुत है और यह कल्पना सिर्फ कागज पर नहीं है, इसको धरती पर उतारने का प्रयास किया गया है और यह प्रयास 7.5 करोड़ की जनता देख रही है। गायों को लेकर जो अपाहिज हैं, बूढ़ी हैं, बेबस हैं और लाचार हैं, उनके संवर्धन का कार्य किया है। मध्य प्रदेश में 1000 क्रियाशील गौशालाएं हैं जिनमें 1,00,000 गौवंश आज पल रहे हैं और उनकी बीमारी का इलाज हो रहा है। लेकिन गायें कतरखानों में ना जाएं, इस बात को लेकर मध्य प्रदेश शासन ने एक अधिनियम बनाया है जो वास्तव में अनूठा है और गायों की रक्षा के लिए सराहनीय है। संपूर्ण विश्व में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि गायों के लिए एक अभयारण्य भी हो सकता है, लेकिन गायों का अभयारण्य आज मध्य प्रदेश की धरती पर निर्माणाधीन है एवं इसका पहला चरण पूर्ण हो चुका है और दूसरे चरण में 984 हेक्टेयर पर एक अद्भुत गौ अभयारण्य की कल्पना की गई है। मध्य प्रदेश में गायों की संरक्षण अधिनियम में अवैध रूप से परिवहन के लिए राजसात की कार्यवाही एवं 7 साल की सजा का भी प्रावधान है। मध्य प्रदेश शासन ने गायों की सुरक्षा के लिए इतना किया है जितना मध्य प्रदेश की जनता सोचती थी। क्या ये संभव है? हाँ, और आज सरकार ने इस मध्य प्रदेश की धरती पर इसे उतारने का पूर्ण प्रयास किया है और ना केवल मध्य प्रदेश में अपितु यह पूरे विश्व में आज अनूठा है।